In the previous video, we have discussed the types of honeybees and life cycle of honeybee. Now let us discuss about Langstroth's movable frame hive. This is a movable frame hive that is used for beekeeping purposes or apiculture practices in apiary. So Langstroth's movable frame hive, this is the typical Langstroth movable wooden frame hive. For the culture of honeybees, special type of frame hives are used called Langstroth's movable frame hive. Langstroth in 1851 designed first movable frame hive for artificial colonization of Apis mellifera and production of honey and wax on large scale. Generally hive boxes are two in number. Isme do important boxes hai ye. ये नीचे वाला इसे बोलते हैं ब्रूड चेम्बर एंड ये है हनी चेम्बर. ब्रूड चेम्बर, हनी चेम्बर, हनी चेम्बर को सुपर बोलते हैं. Langstroth hive was originally designed as a single brood chamber hive. It is not enough for commercial apiary, particularly in the flowering season, and therefore two brood boxes and two honey super are kept together. A standard Langstroth hive accommodates 7 to 11 frames. Distance between two frames is 47 mm. इसका मतलब है कि पहले डिजाइन किया गया था एक ब्रूड चेम्बर एंड एक हनी चेम्बर. बट ड्यूरिंग फ्लावरिंग सीजन में क्या होता है, जब नेक्टर एंड पोलन ज्यादा अवेलेबल होते हैं तो एक ब्रूड से और एक पोलन ये हनी चेम्बर से काम नहीं होता है, तो एक के ऊपर एक दो ब्रूड चेम्बर और उसके ऊपर दो हनी चेम्बर रखे जाते हैं. और इसके अंदर ये ऐसे फ्रेम्स होती है, फ्रेम्स, एंड इसका नंबर मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम 11 फ्रेम्स होती है ब्रूड चेम्बर में एज वेल एज इन सुपर चेम्बर में. सो टिपिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस वुडन फ्रेम हाइव, ये सबसे नीचे है स्टैंड. ये स्टैंड इस तरह से हो सकता है या फिर स्टूल टाइप लेग्स वाला भी हो सकता है. इसके ऊपर होता है ये बॉटम बोर्ड. बॉटम बोर्ड में ये साइड्स होती है, साइड्स, और सामने से एक पट्टी होती है. इसके ऊपर, इसके अंदर एक गेट होता है फॉर द एंट्रेंस ऑफ द हनी बीज, दैट इज एंट्रेंस गेट. इसके ऊपर रखा जाता है ये ब्रूड चेम्बर. ब्रूड चेम्बर के अंदर ये है फ्रेम्स. उसके ऊपर रखा जाता है एक क्वीन एक्सक्लूडर, दिस इज इम्पोर्टेंट, वी डिस्कस इट लेटर. और इसके ऊपर रखे जाते हैं हनी चेम्बर्स और सुपर. सुपर कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर इज सेम एज दैट ब्रूड चेम्बर, बट यहाँ पर सिर्फ हनी वैक्स होता है और यहाँ पे ब्रूड मतलब एग्स, लार्वी, प्यूपे, डेवलपिंग स्टेजेस यहाँ होती है क्योंकि यहाँ क्वीन होती है. और इसके ऊपर ये इनर कवर और उसके ऊपर टॉप, रूफ लाइक टॉप होता है. सो जस्ट वी रीड दिस. फ्रेम हाइव कंपोज्ड ऑफ ए स्टैंड. द एंटायर हाइव रेस्ट ऑन द स्टैंड हैविंग फोर लेग्स. यहाँ लेग्स नहीं है बट यहाँ रिटन फोर लेग्स. एंड द हाइट ऑफ दिस स्टैंड इज 6 to 9 inches हाई विथ डायमेंशन टू सपोर्ट द फ्लोअर बोर्ड. ये है फ्लोअर बोर्ड और बॉटम बोर्ड. ए फ्लोअर बोर्ड और बॉटम बोर्ड. The floor board is a tray with all its four sides raised by side runners. ये है side runners. The floor board is of 55 cm to 40 cm in size. The front side has projecting piece called adjusting board. ये है adjusting board. And in the middle it has entrance gate for bees. ये है entrance gate for bees. इसके ऊपर रखा जाता है ब्रूड चेम्बर. ये है ब्रूड चेम्बर. ब्रूड चेम्बर के अंदर ये है फ्रेम 7 to 11 नंबर. और यहाँ पे ये चौकोन फ्रेम के अंदर फाउंडेशन होता है. द ब्रूड चेम्बर इज रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विदाउट टॉप एंड बॉटम. इसके ऊपर कोई टॉप नहीं होता है, बॉटम नहीं होता है. इट रेस्ट ऑन द बॉटम बोर्ड. इंटरनली इट हैज मूवेबल वुडन फ्रेम्स इन ए पैरेलल फैशन. ये है वुडन फ्रेम्स इन पैरेलल फैशन. द वुडन फ्रेम्स हैविंग ए टॉप बार
ये है टॉप बार. बोथ एंड्स ऑफ द टॉप बार्स आर एक्सटेंडेड टू रेस्ट ऑन रैबिट. ये एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ टॉप बार, इट रेस्ट ऑन दिस रैबिट. यहाँ पे ये रेस्ट होते हैं. टॉप बार इज ग्रूड फॉर होल्डिंग द कोम फाउंडेशन. ए शीट ऑफ बीज वैक्स इज फिक्स्ड इन द स्पेस ऑफ द फ्रेम एज ए कोम फाउंडेशन. द बीज कंस्ट्रक्ट न्यू सेल्स ऑन दिस फाउंडेशन इन फ्यूचर. तो यहाँ हमें ये फाउंडेशन नेचुरल हनी कोम जो होता है उसकी स्लाइस यहाँ फिक्स करते हैं, या फिर आर्टिफिशियल ऐसे फाउंडेशन मिलता है ये यहाँ फिक्स करते हैं, और इसके अंदर फिर कॉलोनी, हनी बी कॉलोनी छोड़ देते हैं, क्वीन एंड सम वर्कर्स. तो कुछ महीनों के अंदर ये यहाँ ये सेटल हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट द कॉलोनी ग्रोइंग हियर इन दिस ब्रूड चेम्बर. क्वीन एक्सक्लूडर, ये है क्वीन एक्सक्लूडर. तो क्वीन एक्सक्लूडर मतलब यहाँ पे इस साइज की वायर गॉज होता है, यहाँ से क्वीन पास नहीं कर सकती है. ब्रूड चेम्बर से सुपर में क्वीन नहीं जा सकती है. वर्कर्स जा सकते हैं बट क्वीन नहीं जा सकती बिकॉज ऑफ बिग साइज ऑफ थोरैक्स ऑफ हनी क्वीन. क्योंकि अगर क्वीन अगर यहाँ गई तो यहाँ भी एक लिंग हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा. यहाँ पे क्वीन नहीं जाना चाहिए, इसलिए ये क्वीन एक्सक्लूडर है. देर इज ए जिंक और फाइबर वायर फ्रेम विथ दिस परफोरेशन साइज 2.3 to 3.5 mm परफोरेशन प्लेस इन बिटवीन द ब्रूड चेम्बर एंड सुपर चेम्बर विच सिलेक्टिवली अलाउज वर्कर्स टू मूव फ्रॉम वन चेम्बर टू अनदर बट इट प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ क्वीन टू डू सो एज हर थोरैक्स इज दिस मच थिकनेस 4.3 mm. बहुत बड़ा थोरैक्स होता है क्वीन का, इसलिए वो क्रॉस नहीं कर सकती. एंड सो इट इज कॉल्ड क्वीन एक्सक्लूडर. द हनी चेम्बर और सुपर द साइज एंड साइज इज सेम एज दैट ऑफ ब्रूड चेम्बर. कंस्ट्रक्शन वाइज इट इज सेम. ये भी सेम ब्रूड चेम्बर सरीका ही होता है, यहाँ पे भी फाउंडेशन होता है, बट यहाँ क्वीन नहीं आ सकती, यहाँ एगलिंग नहीं होता है. तो वर्कर आ सकते हैं, वो यहाँ हनी स्टोर करते हैं, तो ये प्योर हनी होता है यहाँ पे. इट ऑल्सो स्टोर हनी, हाउस ऑफ हनी एंड वैक्स. टॉप कवर द टॉप ऑफ द हाइव इज क्लोज्ड बाय द इनर फ्लैट एंड आउटर रूफ लाइक कवर एंड प्रोवाइडेड विथ अ वेंटिलेटर एंड एन एग्जिट फॉर द बीज. तो ये है टॉप कवर, यहाँ वेंटिलेशन होता है, हवा अंदर जाती है, एंड दिस इज एग्जिट गेट फॉर द वर्कर बीज. हनी एक्सट्रैक्टर, ये है हनी एक्सट्रैक्टर, ये ड्रम है स्टील का, और यहाँ भी इस टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है. इसके अंदर ये फ्रेम्स रखे जाते हैं सुपर के, एंड इसे घुमाया जाता है. ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हनी स्क्वीज आउट होता है एंड दैट हनी इज कलेक्टेड इनटू दिस ड्रम. दिस इज ए मैकेनिकल डिवाइस यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी फ्रॉम हनी चेम्बर फ्रेम्स. इट इज हैंड ऑपरेटेड और इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड एंड एक्ट एज ए प्रिंसिपल ऑफ ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. हनी प्रोडक्शन ऑफ हनी इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी पर्सन एंगेज इन बी कीपिंग. ए बी कीपर जनरली गेट्स 10 to 15 kg फ्रॉम एपिस सेरेना इंडिका एंड 15 to 40 kg फ्रॉम द कॉलोनी ऑफ एपिस मेलीफेरा. हाउएवर कमर्शियल बी कीपर्स इन हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एंड बिहार आर ऑब्टेनिंग 50 to 70 kg हनी पर कॉलोनी ऑफ एपिस मेलीफेरा. द मैक्सिमम हनी यील्ड फ्रॉम ए सिंगल कॉलोनी ऑफ एपिस मेलीफेरा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हैज बीन रिपोर्टेड टू बी 110 kg. सो ऑल दिस इज अबाउट लैंगस्टोन मूवेबल फ्रेम हाइव फॉर बी कीपिंग. थैंक यू वेरी मच.